इस वक्त तो बड़ी खबर पंजाब से है, जहां अवैध बालू खनन के मामले में चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के घर पर ईडी की रेड हुई है। 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की छापेमारी चल रही है। अवैध वेत खनन मामले में ईडी की ये छापे, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खासकर पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी दलीलें सामने आने लगी है एक के बाद एक, और उनका कहना है कि ये चुनाव को देखते हुए सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच सीएम चन्नी भी खनन माफिया को लेकर, वेत खनन को लेकर, बालू को लेकर हमेशा संजीदा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। विक्रांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जब हम पिछले एक दो महीने की स्थिति देख रहे हैं जिसमें सीएम बैठक कर रहे थे, तो उसमें ये कहा था कि बालू माफिया को लेकर, वेत माफिया को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। अब उनके बहन के घर पर ही छापेमारी हो रही है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल, पंजाब में रेत माफिया जो है काफ़ी सक्रिय है, इस बार ये बात छिपी नहीं है और हर बार इस तरीके की खबरें लगातार आती रही हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा यहाँ पर पंजाब के पत्रकारों को लेकर गए थे, उन्होंने चमकौर साहिब का इलाका दिखाया था और ये कहा था कि मुख्यमंत्री का इलाका है ये, उन्हीं की विधानसभा है और वहाँ पर भी अवैध रेत खनन हो रहा था। उसके बाद भी पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी ये कहा था कि किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस बार इस मामले में कोई भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी ईडी की छापेमारी चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार के यहाँ मोहाली में छापा पड़ रहा है। इसके अलावा 10 से 12 लोकेशंस हैं अलग अलग जहां पर यह छापेमारी चल रही है। इस बीच रेट भी तय किया गया है विक्रांत, 9 रुपए के प्रति दर से, और डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग हर हाल में एक्शन लीजिए। लेकिन इस बीच अब जो कार्रवाई हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो सीएम के करीबी पे, सीएम की बहन के बारे में ऐसी खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, लगातार स्थानीय प्रशासन को सरकार ये कहती रही है कि एसडीएम और तमाम जो प्रशासन है वो लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अवैध रेत खनन बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही अवैध रेत खनन इतने बड़े पैमाने पर होता है, और पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया, यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू भी कई बार इस बात पर मुखर हो चुके हैं कि अवैध रेत खनन हो रहा है, और अपनी सरकार को कटघरे में भी कई बार उन्होंने खड़ा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री के करीब रिश्तेदार के घर पर छापा पड़ा है और आरोप ये लग रहा है कि इलीगल सैंड माइनिंग यानी अवैध रेत खनन जो है उसी के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है, तो जाहिर बात है कि पंजाब का जो चुनावी मौसम है वो इस ठंडे मौसम में भी बेहद गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के आरोप सीधे अब मुख्यमंत्री पर जोड़ते हुए दिखाई देंगे विरोधी, और उनका सीधा ये आरोप होगा कि ईडी की जाँच ये साबित करती है, ईडी की छापेमारी ये साबित करती है कि राजनीतिक जो आरोप लगते थे उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। चुनावी माहौल में अमूमन हमने विक्रांत ये देखा है, ये नोटिस किया है कि कई ऐसे बड़े और दिग्गज चेहरे रहे हैं जिनका नाम अगर रेत माफिया से जुड़ा हुआ निकल जाए या राजनीतिक शह देने का आरोप अगर पुख्ता तौर पर आ जाए सामने, तो उनके राजनीतिक करियर पे भी कहीं ना कहीं उस तरीके से दाग लग जाता है। अब ये अगर चुनावी माहौल में पंजाब में होने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरीके से बचाव करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो छापेमारी है वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम में आए थे यहाँ पर पंजाब में, आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर कुछ हैं। सर जी, मुख्यमंत्री चन्नी के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी चल रही है, ईडी का कहना है कि इलीगल सैंड माइनिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। देखो, राघव चड्ढा जी जाके आए ने, आप उत्थे जांदे रहे ने, पहला भी साड़ी पार्टी कहती रही है भी जिहड़े ये कांग्रेसी ने सारे बंदे ये माफिया चला रहे ने, और माफिया का पूरा ये सरगना ने, सारे पहला अकाली सीगे, वो अकाली जान लगे रजिस्टर माफिया का, इन्होंने फड़ा गए बकायदा, कला कल जे कांग्रेसी ने इन्हों का सारे का सारा का काम रेत माफिया नाल, शराब माफिया नाल, ट्रांसपोर्ट माफिया नाल, केबल माफिया नाल, हरेक किस्म के माफिए दे विच इन्हां कांग्रेस दा हत्थ है, और अज जिहड़ी ईडी दा होया ये सिद्ध हो चुक्या है भी इन्हों का मतलब जिहड़ा काम है वो लोगों का भला नहीं करना है, ना ही किसी का भला करना है, काम सिर्फ अपना ढिड भरना जी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी अब सीधा ये आरोप लगा रही है कि राघव चड्ढा उस इलाके में गए थे, उन्होंने जो आरोप लगाए थे आज वो आरोप पूरी तरीके से सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी साफ तौर पर ये कह रही है कि राजनीतिक कारणों के वजह से ये छापेमारी की जा रही है कि चुनाव के विक्रांत मैं आपके पास लौटूंगी, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आगे भी हम आम आदमी पार्टी के लीडर से बातचीत करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।